हमास के आतंक से पूरे इसराइल की तस्वीर बदल गई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंद दिन पहले यहाँ का नजारा बिल्कुल उलट था। दुख, दर्द, खौफ, डर से कोसों दूर लोग अपनों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन हंसते खेलते चेहरों से गुलजार इस जगह पर डर का साया मंडरा रहा है। हमलों की गूंज, बमों की बौछार से पूरा इसराइल थर्रा उठा है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। हालिया तस्वीर इसराइल के तेल अवीव में मौजूद खूबसूरत बीच की है, जो अब जंगे मैदान बन चुका है। पूरे बीच पर सन्नाटा पसरा हुआ है। Hope everything will be okay. Tel Aviv is safer than other places in the south and the north. And I don't know. Do you think that the people are coming less to the beach? Yeah, less. And also in the street in Tel Aviv, you don't see people. Like some coffee shops are open, but people are really stayed at home. They are safer at home. People are very afraid. Like the missiles, you don't know where it's going to fall. It's like, it's very scary. इसराइल के लोगों में डर का माहौल है। हालांकि बीते दिनों इसराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर बड़े कमांडर को ढेर कर दिया। हमले में हमास का कमांडर मुइताज ईद और बिलाल अल केदरा मारा गया है।